व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट राजा और आप देख रहे हैं ब्लॉग फ्रेंड्स। आज के एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो में आपका स्वागत है और आज आप देखने वाले हो, मतलब थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। फिर भी आपको बता दूँ, आज हम बात करने वाले हैं फ्री फूड के ऊपर, मतलब लाइव फूड के ऊपर। तो चैनल पे जो भी नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। ये एक नया चैनल, आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो बात है दोस्तों कल रात की कि मैं ऐसे ही बैठ के ना एक्वेरियम का घूर रहा था, और वो मतलब फिशेस को घूर रहा था और फिशेस मुझे घूर रही थी, फिशेस को घूर रहा था फिशेस मुझे घूर रही थी। तो ऐसी ताका झाकी चलती रहती हम दोनों के बीच। तो फिर ना मेरा नज़र ये मेरा फिल्टर पे गया, ये जो सम फिल्टर है इस पे गया। फिर ना मैं देखता हूँ कुछ ऐसे अजीब सा हिल रहा है, सही में ऐसे अजीब सा हिल रहा था। तो मैं ज़रा ध्यान से देखता हूँ, तब वो देखता हूँ मैं लाल कलर का है और ये छोटे छोटे। फिर ना मुझे पता चलता है कि ये तो ब्लड वर्म है। फिर मैंने सोचा यार ये ब्लड वर्म आया कैसे मेरे फिल्टर पे। मुझे ना पता चला कि ये एक फ्लाई का लार्वा है। तो कहीं से भी आया हो भाई साहब, मेरा तो फायदा ही फायदा है, फ्री में लाइव फूड जो मिल रहा है। तो अभी ना बिना टाइम वेस्ट किए इस लार्वा को मैंने, मतलब ये जो ब्लड वर्म है, मैंने सोचा इसे कल्चर करेंगे। तो वही आज आपके साथ शेयर करेंगे, मतलब इसे कल्चर कैसे करते हैं वो। और मेरा एक टैंक ऊपर खाली पड़ा हुआ है, मतलब जो थर्मोकोल का बॉक्स है वो खाली पड़ा हुआ है, तो उसी में मैं कल्चर करूँगा। तो अभी इस टैंक में से पानी आधा कर लेता हूँ कि उसी पानी में मैं कल्चर करूँगा और इसका फिल्टर को भी निकाल लेता हूँ। तो ये प्रोसेस चालू करने से पहले ना मैं आपको एक बार सामने से दिखा देता हूँ, मतलब वो दिखता कैसा है फिल्टर में, ठीक है ना। ये जगह पे देखिए, ये जगह पे ये देखने को मिल रहा है, ये है ब्लड वर्म। तो ऐसा ना ये वाला पूरे स्पंज में पूरा भरा हुआ है, इधर भी है, इस साइड पे भी है, ये वाले स्पंज पे भी है, ये वाला स्पंज पे भी है, मतलब ये पूरा भरा हुआ है। मैंने देखा, ये देखिए हिल रहा है, आपको देखने को मिला, ये इधर देखिए। मैंने एक निकाल के दिखाता हूँ आपको, तब आपको समझ। ये देख लीजिए आप, ये है ब्लड वर्म, एक बार सामने से देख लीजिए। ये जो लाल कलर का छोटा सा आपको दिख रहा होगा ना, इसी को ब्लड वर्म कहते हैं दोस्तों। दिख रहा है वो हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी ना सब कुछ बंद कर देते हैं, फिल्टर विल्टर सब बंद करके इसका पानी आधा कर लेते हैं पहले, फिर आपको आगे बताता हूँ मैं। तो फिल्टर वगैरह मैंने सब बंद कर दिया है, अभी पानी निकाल लेते हैं। इसमें इसे हटा लेता हूँ पहले। पानी तो मैंने कर लिया है आधा, अब इस बाल्टी को लेके जाना है ऊपर और ऊपर जाके उस टैंक में निकाल लेना है। तो चलिए आप भी साथ। मेहनत तो लगता है भाई। फिल्टर लेके आ चुका हूँ, अभी ना मैं छत पे हूँ और धूप बहुत ही ज़्यादा है। कौन बोलेगा ये अक्टूबर का महीना है यार, ये धूप बहुत ही तेज़ है। तो एनीवेज गाइस, इस सम के जो स्पंज है ना, वो मैं नीचे जो पानी बनाया अभी उस पर ऐसे स्पंज को ना मैं पूरा धुल दूंगा। तो उससे क्या होगा, इसमें जितने भी वो ब्लड वर्म्स थे ना वो पानी में मिल जाएंगे और कुछ ही दिनों में ये अपने आप ग्रो होके कल्चर होके और हमारे पास बहुत सारे फूड बन जाएंगे। मतलब थोड़े से स्टार्टर के लिए ये बोल सकते हो कि ये बेसिकली ये स्टार्टर के तौर पे काम करेगा। अभी हम लोग कल्चर करेंगे और बहुत सारे ब्लड वर्म बनाएंगे। और एक्चुअली ना दोस्तों, हमारे इधर ना ब्लड वर्म्स वगैरह वो मिलते भी नहीं है, वो जो वीडियो में दिखते हैं ना गल्फ स्ट्रीट बड़े बड़े जगह पर, वो ऐसे 10-20 रुपये में ना वो एक्वेरियम के दुकानों में बिकते हैं। हमारे इधर वो सब नहीं मिलते, ब्राइड मिलते हैं, मतलब ऐसे फ्रेश नहीं मिलते। एक हॉबीस्ट होने के नाते कभी कभी मेरे को भी मन करता है कुछ लाइव फीड दूँ अपने फिश को, वो नहीं कर पाता हूँ, तो खुद ही बना लेता हूँ ऐसे। ये एक गिफ्ट ही है मेरे लिए,
तो शुरू करते हैं। तो ये जो है इसे, ये जो फिल्टर है इसे पूरा पहले इसे अंदर डाल देता हूँ मैं, इसमें पानी चले जाए। अभी इसको आराम से वॉश कर लेंगे, एक एक स्पंज निकाल के आराम से वॉश करेंगे। ऐसे स्पंज को निकालो, ऐसे स्पंज को निकालो, निकालने के बाद ऐसे पानी में बस कुछ इस तरीके से ऐसे वॉश कर लो। ऐसे पूरा स्पंज को वॉश कर लेता हूँ मैं, मीडिया वगैरह जो भी है सब कुछ को मैं पहले वॉश कर लेता हूँ। और ये वॉश करने के बाद बाकी जो इसमें वेस्ट और फिश पूप वगैरह ब्लड वर्म जो भी है वो ये पानी में मिल जाएंगे, और बस इसी को हम लोग को कल्चर करना है और कुछ नहीं। तो मैं कर लेता हूँ पहले। अभी ना ये पानी आप देख सकते हो कितना गंदा सा दिख रहा होगा आपको, यही एक्चुअली ब्लड वर्म्स है। ये आप नीचे देखिए, ये जो बने हुए हैं ना ये ब्लड वर्म्स है। एक्चुअली एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया था, इसमें ना पानी जो आप इस्तेमाल करोगे ना वो पुराना पानी इस्तेमाल करना, या फिर बारिश का पानी हो तो और भी अच्छा, या फिर टैंक का जो पुराना पानी होता है ना वो इस्तेमाल करना, फ्रेश पानी इस पर मत डालना। अभी इस पानी को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसे ढक के नेट से, एक नेट से ढक के इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं हफ्ते 10 दिन के लिए। फिर 10 दिन बाद देखेंगे कि इसमें कल्चर हुआ या फिर नहीं। कल्चर हो गया तो सही है, आपको भी अपडेट कर देंगे वीडियो के द्वारा, और बाकी मछली को खिलाएंगे। आज की वीडियो बस यही दिखाना था, तो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। आगे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।